अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ अंडे की रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम सिंपल है। इसके लिए मैंने 1/2 kg मैदा का इस्तेमाल की हूँ। हसबे ज़रूरत सॉल्ट ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूध ही में आटा कम्प्लीटली गूंदना है। इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। ये इफ्तारी स्पेशल रेसिपी है। इसके साथ 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके अच्छी तरह आटा को गूंद लें। 5 से 10 मिनट अच्छी तरह गूंद लें। अच्छी तरह इस तरह मसल मसल कर गूंदने के बाद 1 घंटा इसको रेस्ट दें। को साइड में रख देती हूँ। अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए फर्स्ट एक पैन लेती हूँ। पैन में ऑयल ऐड करती हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करती हूँ। 4 से 5 बारीक कटा हुआ प्याज का इस्तेमाल की हूँ। इसकी कलर चेंज होने तक थोड़ी देर पका लें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हसबे ज़रूरत सॉल्ट ऐड करें। इसके बाद लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लें। हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1/2 कप धनिया पत्ता इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ 7 अंडे को बीट कर लेती हूँ। 1/2 टी स्पून नमक के साथ इस मिक्सचर में अंडे को ऐड करके 5 मिनट पका लेती हूँ। हाई मीडियम और हाई फ्लेम में रखकर अंडे को 5 मिनट पकाना है। कंटिन्यू स्टेयर करते हुए पकाना है। तो देखिए अंडे का मिक्सचर बनकर तैयार है। इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। हमारी डो को चेक कर लेती हूँ। 1 घंटा रेस्ट के बाद डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसमें 1 हिस्सा लेती हूँ। एक पोर्शन को बारीक सा रोल कर लेती हूँ। इस तरह रोल करने के बाद स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके एक एक पेड़े को बना लेती हूँ। इस तरह पेड़ा को रोल करके एक एक चपाती टाइप बेल लेना है। मैदा डस करके बेल लेना है। देखिए इतना साइज काफ़ी है। इसी तरह सारी पेड़े को बेल लेती हूँ। एक टाइम में 6 से 7 पेड़ा को बेलकर रख लेना है। अब डालडा वनस्पति डालडा का इस्तेमाल की हूँ। उसको पिघलाकर तैयार रखी हूँ। 1 चपाती लेंगे। अच्छी तरह डालडा को 1-1 टीस्पून डालकर अच्छी तरह स्प्रेड करना है।
इसमें कोई कंजूसी नहीं रहना है। सेकेंड चपाती को इसके ऊपर रख लेती हूँ। अगेन सेम प्रोसेस, एक टीस्पून वनस्पति डालडा डालकर साइड्स में भी अच्छी तरह लगाना है। थर्ड लेयर रख लेती हूँ। इसी तरह 6 से 7 लेयर एक टाइम में रख सकते हैं। चौथा लेयर है। पांचवा लेयर। सिक्स्थ और इसी तरह 7 लेयर्स मैं तैयार की हूँ। लास्ट लेयर में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैदा को डस्ट करके फिर इसको रोल करना है। एकदम हल्के हाथों से रोल करना है। अगर फोर्स डालेंगे तो तवा में डालने के बाद लेयर नहीं निकलेगा। हीट तवा को हीट करके 2 से 3 बार टर्न करके सेकना है। एक बार हो चुका है, फिर नेक्स्ट टाइम टर्न कर लेती हूँ और इसी तरह 30-30 सेकेंड्स में टर्न करके 3 बार टर्न करने के बाद निकाल कर एक एक लेयर आराम से निकल जाएगा। देखिए हमारी लेयर आराम से निकल रहा है। इसी तरह सारी लेयर्स को निकाल कर अलग सा रख लेती हूँ। जब भी आप फ्री हैं इस तरह इसको रेडी करके रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है आप फिलिंग ऐड करके रोल को तल ले सकते हैं। इसको इसी तरह फ्रीज भी कर सकते हैं, जिप लॉक कवर में डालकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी 7 लेयर्स भी अलग अलग आराम से आसानी से निकल रहा है। दैट्स इट, हमारी मेन पार्ट रोल की बन चुकी है। अब मैदा की पेस्ट बना लेती हूँ। उसके लिए मैदा और पानी इस्तेमाल करके एक थिक सा पेस्ट बना लेती हूँ। 2 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून पानी ऐड करके एक थिक पेस्ट तैयार करके साइड में रख लेती हूँ। एक अंडा डिप करने के लिए रख लेती हूँ, सॉरी 3 अंडा। इसमें थोड़ा काली मिर्च ऐड करके तैयार से रख लेती हूँ। इसको अच्छी तरह बीट करके रख लेती हूँ। हमारी रोल की सारी इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अंडे का मिक्सचर, अंडा, मैदा का पेस्ट, रोल का चपाती। ओके, फर्स्ट एक चपाती लेंगे। इसमें साइड में 1 टेबलस्पून अंडा का मिक्सचर लेंगे। इसको इस तरह स्लाइटली टर्न करके साइड्स को बंद करके फिर से इसी तरह रोल बनाकर लास्ट एंड में मैदा का पेस्ट अप्लाई करके इसको पैक कर देना है। इस तरह दैट्स इट, हमारी फाइनली रोल तलने के लिए रेडी है।
इसी तरह सारे रोल्स को तैयार करके रख लेती हूँ। फिर से एक बार दिखाती हूँ, एक टेबलस्पून अंडे का मिक्सचर, ऊपर से रोल कर लेना है, फिर साइड से। सेम प्रोसेस, लास्ट में मैदा का पेस्ट अप्लाई करके फाइनली पैक कर लेना है। दैट्स इट। साइड में एक पैन में ऑयल को हीट करने के लिए रख देती हूँ। एक रोल को लेंगे, अंडे का मिक्सचर में डिप करके मीडियम टू हॉट ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। एक साइड से थोड़ा पकने के बाद दूसरा साइड्स को टर्न कर लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको पका लेना है। तो देखिए हमारी रोल एकदम अच्छी तरह कलर आ चुका है। इसी तरह सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारी यम्मी सा एग रोल की रेसिपी बनकर तैयार है। इफ्तारी के लिए ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई करें, ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसको कट करके आपको एक शेयर बताती हूँ। एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होममेड एग रोल बनकर तैयार है।